तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करने वाले हैं यानी कि थ्योरी, और थ्योरी जो होगा दोस्तों ये कंप्यूटर का थ्योरी होगा, क्योंकि इससे पहले वाला यानी कि वीडियो में हम आप लोगों को सूचित कर दिए हैं कि यानी कि 28 तारीख से आप लोगों को यानी कि कंप्यूटर का वीडियो आएगा और वो थ्योरी होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थ्योरी कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो जवाब देना यानी कि जवाब देने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसके लिए यानी कि आज से सबसे पहला क्लास स्टार्ट करेंगे, आज का फर्स्ट क्लास है और लगभग जितना हम क्लास कराएंगे आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस देखिएगा किस प्रकार से बनता है, मैं जितना लिखा रहा हूँ आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास उतना यानी कि सिस्टम नहीं है, सो हम यानी कि लिख करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, जो हम बोलेंगे वो करना है। तो चलिए इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर के एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि बार बार उठना अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न होने वाला है कंप्यूटर, और कंप्यूटर सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। डैश दीजिएगा दोस्तों कंप्यूटर लेकर के, ठीक है, क्या कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर लिख करके क्या करना है यानी कि डैश देना है, और दोस्तों समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को आम भाषा में बता दूं, कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है, जिस तरीका से यानी कि उसको यानी कि इनपुट दिया जाता है उसी प्रकार से वो आउटपुट में ये तब्दील करता है यानी कि बदलता है, इसी को यानी कि कंप्यूटर कहा जाता है। इसी को अगर डिफिनेशन में लिखिएगा, तो चलिए लिखिएगा दोस्तों डिफिनेशन में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है, ठीक है, यूजर से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है और उसे आवश्यक आउटपुट देती है उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, कंप्यूटर कहेंगे। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए, कंप्यूटर देकर के डैश देना है और लिखिएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है और उसे आवश्यक आउटपुट देती है। तो आप लोग यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल एक लेकर के देखिए दोस्तों, ये क्या है यानी कि आईपी का मतलब इनपुट, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यानी कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इनपुट के बाद प्रोसेस और जो आगे होगा उसके बाद यानी कि आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसको यानी कि ओपी लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, ओपी का मतलब आउटपुट। देखिए इनपुट में अगर दो लिखे, ठीक है, और प्लस में दो दिए, तो ये प्रोसेस करके दोस्तों क्या बनाएगा, बराबर बनाएगा, ठीक है। अगर प्रोसेस करेगा जो, तो ये क्या करेगा यानी कि बराबर देगा, ठीक है, क्या करेगा, देखिए दो प्लस दो दिए हैं तो ये बराबर कर लेगा, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो आएगा यानी कि चार आउटपुट जो देगा यानी कि चार देगा। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है दोस्तों, यानी कि इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेस किया यहाँ पे आकर के, और प्रोसेस करने के बाद यानी कि आउटपुट मिला, और आउटपुट जो मिला ये देखिए चार मिला, यहाँ से दो प्लस दो दे के यानी कि चार प्राप्त हुआ। तो यही क्या है यानी कि कंप्यूटर में यही होता है, क्योंकि डिफिनेशन से ही पता चलता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है और उसे आवश्यक आउटपुट देती है, उसी को क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट पे बात करेंगे, तो आज का अगला पॉइंट है यानी कि कंप्यूटर जो लिखा गया है किस शब्द में लिखा गया है वो हमको बताना है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो लिखा गया है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, कंप्यूटर का यानी कि लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों डैश देख लिखिएगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है यानी कि लैटिन में है, क्या है, लैटिन है, क्या है दोस्तों, यानी कि लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है कंप्यूटर, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आप समझेंगे यानी कि यूजर, क्या समझेंगे, यूजर, ठीक है। तो यूजर दे करके यानी कि क्या करना है, डैश देना है, ठीक है, यूजर दे करके डैश दीजिए या एरो दीजिए, आप लोग को जिस तरीका से यानी कि सुविधा होता है उस तरीका से आप लोग दे सकते हैं, और नोट्स बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा अगर TET2 में पास होना है तो। और आप लोग को हम बता दें प्लीज, बाहरी शोर आप लोगों को जाता होगा साउंड वगैरह का, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आज माता रानी का विसर्जन का टाइम है, और विसर्जन का टाइम में कुछ यानी कि आवाज़ यानी कि एक्स्ट्रा आ रहा है सॉन्ग वगैरह को। तो मैं माता रानी से आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी सब पे जो है अपनी दुआ बना के रखे, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है दोस्तों यूजर, क्या है, यूजर है, आप समझेंगे कि यूजर क्या होता है। तो डैश दी के लिखिएगा,
कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक सजीव या मशीन यूजर कहलाता है। क्या दोस्तों? कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक सजीव या मशीन यूजर कहलाता है। फिर से हम बोल रहे हैं एक बार, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक सजीव या मशीन यूजर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है। अब दीजिएगा दोस्तों, यूजर दो प्रकार का होता है। ठीक है, यूजर दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है यानी कि HCI, क्या होता है? HCI। और दूसरा जो होता है दोस्तों, यानी कि मशीन या रोबोट होता है। क्या होता है? मशीन या रोबोट होता है। ठीक है, मशीन या रोबोट होता है। तो अब समझें कि HCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को हम लिखा रहे हैं, लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन, क्या होता है? ह्यूमन कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर। और उसके बाद होता है यानी कि इंस्ट्रक्शन, क्या होता है? ह्यूमन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछे कि HCI का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है दोस्तों यानी कि मशीन या रोबोट होता है। ठीक है, पहला यानी कि HCI, दूसरा मशीन या रोबोट। अब चलिए समझेंगे कि रोबोट यानी कि HCI क्या है और यानी कि मशीन रोबोट में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, HCI और मशीन में अंतर। ठीक है, अंतर को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसको पहचानने के लिए कैप्चा का निर्माण किया गया है। ठीक है, ठीक है, पहचानने के लिए, ठीक है, यानी कि पहचानने के लिए कैप्चा का निर्माण किया गया। किसका? कैप्चा का, CAPTCHA। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म लिखाने का प्रयास करेंगे, कैप्चा का। तो दोस्तों यानी कि इसी कैप्चा को देख करके ये पता कर सकते हैं ये ह्यूमन है या ये सॉरी HCI है या मशीन या रोबोट है। ठीक है, आप समझेंगे कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। हो सकता है यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लिखिए कंप्यूटर ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट। क्या लिखिएगा? फिर से लिखने का प्रयास कीजिए, कंप्यूटर ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, टेस्ट टू टेल, उसके बाद लिखिए कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, अब समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आज होने वाला है आज का नेक्स्ट पॉइंट यानी कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट? आप दे करके लिखिए बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखना है? बेसिक, बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, OP लिख दिए हैं, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर दे करके डैश लिखिए। सबसे पहला इसमें आता है यानी कि इनपुट। क्या आता है? यानी कि इनपुट आता है। ठीक है, इनपुट आता है। उसके बाद जो आता है दूसरा नंबर पे दोस्तों, प्रोसेस आता है। क्या आता है? प्रोसेस आता है। ठीक है, तीसरा नंबर पे आता है इसी में आउटपुट आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आता है। अब समझेंगे सबसे पहले कि इनपुट क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद यानी कि आउटपुट समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यानी कि पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा इनपुट। क्या लिखिएगा? इनपुट लिखिएगा, इनपुट लिखिएगा, इनपुट दे करके डैश देना है और लिखना है। ठीक है, डैश दीजिए या एरो दीजिए। अब लिखिए यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो दिया जाता है, यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर में दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? इनपुट कहा जाता है। ठीक है, यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर में दिया जाता है उसी को हम दोस्तों इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट का दो प्रकार होता है। ठीक है, इनपुट का दो प्रकार होता है, पहला दोस्तों यानी कि डाटा। ठीक है, और दूसरा जो होता है यानी कि इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? पहला डाटा, दूसरा यानी कि इंस्ट्रक्शन होता है। अब समझेंगे कि डाटा क्या होता है, उसके बाद यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो समझेंगे। चलिए आज इसमें एक करके लिख लीजिए डाटा। ठीक है, डाटा दे करके यानी कि डैश देना है या एरो देना है। ठीक है, तो लिखिएगा डाटा में, डाटा में लिखिएगा रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े, रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? यानी कि डाटा कहा जाता है। ठीक है, डाटा कहा जाता है। आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो देखिए एनी नेम क्या है? एनी नेम पहला में आ गया एनी नेम, या एडियो लीजिए, एडियो डाटा लीजिए, क्या लीजिए? एडियो डाटा लीजिए या वीडियो डाटा लीजिए। ठीक है, एडियो डाटा लीजिए, वीडियो डाटा लीजिए या इमेज डाटा लीजिए। ठीक है, इमेज डाटा लीजिए।
एमिनेम हो गया, ऑडियो डाटा हो गया, वीडियो डाटा हो गया और इमेज डाटा हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, एक प्रकार का डाटा है। अब लिखिएगा बी पॉइंट, पॉइंट लिखिए इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों बी पॉइंट में, ठीक है। पहला समझ गया यानी कि डाटा, और दूसरा में क्या बोले हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन बोले हैं, क्या बोले हैं इंस्ट्रक्शन बोले हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन देख करके यानी कि डैश देना है और इसमें लिखना है डाटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के लिए चिन्ह या सिंबल दिए जाते हैं, डाटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के लिए चिन्ह या सिंबल दिए जाते हैं उसी को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। एग्जांपल देखा जाए दोस्तों तो जैसे प्लस, माइनस, उसके बाद गुना, उसके बाद भागा, ये सब ईटीसी दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, ये दिया जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों नंबर दो पे आता है प्रोसेस। पहले इनपुट तो क्लियर हो गया, इनपुट के सभी बातों को देखे, इनपुट में यानी कि डाटा, इंस्ट्रक्शन इसको भी समझ गए, इनपुट को भी समझ गए। अब बारी है यानी कि प्रोसेस का, किसका प्रोसेस का बारी है, ठीक है। प्रोसेस को समझना है, लिखना है और एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से हल करना है, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा प्रोसेस देकर के, डैश देकर के लिखना है। इनपुट में दिए गए डाटा पर, इनपुट में दिए गए डाटा पर, इनपुट में दिए गए डाटा पर इंस्ट्रक्शन के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर विभिन्न कैलकुलेशन करना प्रोसेसिंग कहलाता है। विभिन्न प्रोसेसिंग करना, विभिन्न कैलकुलेशन करना, फिर से एक बार लिखिएगा दोस्तों, इनपुट में दिए गए डाटा पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर विभिन्न कैलकुलेशन करना, विभिन्न कैलकुलेशन करना प्रोसेसिंग कहलाता है। विभिन्न कैलकुलेशन करना प्रोसेसिंग कहलाता है। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें समझेंगे जो डाटा हो, डाटा है ना, डाटा को प्रोसेस करने से पहले क्या किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा डाटा को, ठीक है, प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले क्या किया जाता है। तो आंसर लिखिएगा दोस्तों, डाटा को प्रोसेस करने से पहले प्रेपर किया जाता है। आप सीधा यानी कि प्रेपर लिखिएगा, इतना नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए डाटा को प्रोसेस करने से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि प्रेपर किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रेपर किया जाता है, ठीक है। आप समझेंगे दोस्तों डाटा को जो प्रोसेस करता है किसके द्वारा यानी कि किया जाता है, क्या डाटा को जो प्रोसेस करता है किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि डाटा को जो प्रोसेस करता है वो किसके द्वारा किया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा, किसके द्वारा, सीपीयू, उसके बाद प्रोसेसर, किसके द्वारा, सीपीयू, सीपीयू के बाद प्रोसेसर, और उसके बाद लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये सब इसके द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। अब चलिए तीसरा नंबर पे आता है यानी कि इन, सॉरी आउटपुट आता है, क्या आता है, आउटपुट आता है। तीसरा नंबर पे क्या आता है, आउटपुट आता है। आउटपुट दे करके यानी कि डैश देना है। अब लिखना है इसमें इनपुट में दिए गए डाटा पर, इनपुट में दिए गए डाटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद, विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त रिजल्ट आउटपुट कहलाता है, प्राप्त रिजल्ट आउटपुट कहलाता है, ठीक है। ये तो लिख लिया डिफिनेशन। अब समझना है दोस्तों, अब समझना है कि इनपुट को स्टोर कहां करते हैं। क्वेश्चंस लिखिएगा इनपुट को, सॉरी आउटपुट को, क्वेश्चंस लिखिए दोस्तों आउटपुट को स्टोर कहां किया जाता है, किसको, आउटपुट को यानी कि स्टोर कहां किया जाता है। तो आंसर लिखिएगा सेकेंडरी मेमोरी, क्या, सेकेंडरी मेमोरी। आउटपुट को जो दोस्तों यानी कि स्टोर किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों समझेंगे यानी कि कंप्यूटर की विशेषता, ठीक है। डैश देकर लिखना है कंप्यूटर, अगला पॉइंट है, आप लोग देकर के लिखिएगा कंप्यूटर की लाभ या विशेषता, ठीक है, कंप्यूटर की लाभ या विशेषता। दोस्तों ये देकर के डैश दीजिए और इसमें पहला पॉइंट लिखिए स्पीड, क्या लिखना है, स्पीड लिखना है, और स्पीड देकर के यानी कि डैश लिखिए और इसमें लिखिए
कंप्यूटर की स्पीड हर्ज में मापा जाता है, किसमें? हर्ज में। कंप्यूटर का स्पीड किसमें मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है, ठीक है। अब समझेंगे कि वर्तमान में जो कंप्यूटर है उसका स्पीड किसमें मापा जाता है, ठीक है। अब चलिए लिखिएगा, वर्तमान कंप्यूटर का स्पीड किसमें मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मापा जाता है यानी कि गीगा हर्ज में मापा जाता है, किसमें? गीगा हर्ज में। इसका यानी कि उत्तर हुआ, वर्तमान कंप्यूटर का स्पीड जो मापा जाता है गीगा हर्ज में मापा जाता है, ठीक है। और अब समझेंगे दोस्तों यानी कि एक गीगा हर्ज बराबर कितना होता है, एक गीगा हर्ज बराबर कितना होता है। चलिए अगला पॉइंट पे लिखा जाए, यानी कि एक गीगा हर्ज, ठीक है, बराबर 10^9 हर्ज, ठीक है। एक गीगा हर्ज बराबर 10^9 हर्ज, ठीक है। अब समझेंगे दोस्तों यानी कि इसका जो स्पीड होता है आजकल के कंप्यूटर का वो कितना होता है, एक नंबर तो आपको देखे जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लिखिएगा आज के कंप्यूटर का स्पीड कितना होता है, लिखिएगा अगला प्रश्न। आज के कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, आज के कंप्यूटर का स्पीड कितना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखा जाए, तो लिखिएगा दोस्तों ये जो होता है यानी कि आज के कंप्यूटर का स्पीड 4.5 गीगाहर्ज ऑप्शन में आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, 4.5 × 10^9 गणनाएं, ठीक है, गणनाएं प्रति सेकेंड, क्या आएगा, प्रति सेकेंड आएगा। फिर से बोल देते हैं, 4.5 × 10^9 गणनाएं प्रति सेकेंड या 4.5 गीगाहर्ज, इस दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा कोई भी शिफ्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यानी कि दूसरा नंबर पर, यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी कि जिसको स्वचालित कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों यानी कि ऑटोमेटिक, क्या? ऑटोमेटिक, इसका हिंदी लिखिएगा स्वचालित, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखिए, कंप्यूटर प्री डिफाइन अथवा मानव के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर अपने आप कार्य कर सकता है। कंप्यूटर प्री डिफाइन अथवा मानव के आधार पर दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य कर सकता है। फिर से लिखने का प्रयास कीजिए, कंप्यूटर प्री डिफाइन अथवा मानव के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर अपने आप कार्य कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे, स्वचालित कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, स्वचालित कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है स्वचालित, ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया रहेगा चाहे ए में हो या बी में हो या सी में हो, लेकिन उसको टिक करना है अगर डिफिनेशन आए तो, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा नंबर पे एक्यूरेसी लिखिएगा। तीसरा नंबर पे क्या लिखना है, एक्यूरेसी लिखिएगा, ठीक है, एक्यूरेसी लिखना है। एक्यूरेसी लिख करके डैश दीजिए, अब समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि कंप्यूटर का एक्यूरेसी 100% होता है, ठीक है, यानी कि जैसे यानी कि उसको इनपुट मिलेगा उसी के आधार पे वो आउटपुट में प्रोसेस करता है। तो लिखिएगा कंप्यूटर का आउटपुट 100% सही होता है, इसमें लिखिएगा कंप्यूटर, ठीक है, का आउटपुट 100% सही रहता है, ठीक है, कंप्यूटर का आउटपुट 100% सही रहता है, ठीक है। अब समझेंगे कि यानी कि कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन जो सिद्धांत है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिखिएगा कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, यानी कि कंप्यूटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीधा से लिख लीजिए, कंप्यूटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये देख करके आंसर लिखना है GIGO, क्या है, GIGO। फिर लिखिए GIGO को, या तो उसी में लिख लीजिए GIGO का फुल फॉर्म, अलग से भी क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, तो लिखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है किसका हम बोले हैं दोस्तों, GIGO का, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गर्बेज, क्या होता है, गर्बेज, ठीक है। उसके बाद इन गर्बेज आउट, क्या होता है, गर्बेज इन गर्बेज आउट, ठीक है, आप लोग समझ गए।
अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चार नंबर पे जो आता है दोस्तों, यानी कि वर्साटाइल आता है या मल्टीफंक्शनल आता है, ठीक है, जिसको बहुरूपी कहा जाता है। क्या आता है? वर्साटाइल, मल्टीफंक्शनल, जिसको बहुरूपी कहा जाता है। हिंदी में लिखिए थोड़ा सा, यानी कि इसका छोटा है, ठीक है, बहुरूपी। दोस्तों बहुरूपी देकर के डैश लिखना है। कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य एक साथ करना, कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य एक साथ करना, किसी भी कंप्यूटर का वर्साटाइल होना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य करना एक साथ, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का वर्साटाइल होना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य एक साथ करना, किसी भी कंप्यूटर का वर्साटाइल होना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, ठीक है, किस पे निर्भर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब समझेंगे सबसे पहले, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, DOS। ये क्या है दोस्तों? सिंगल टास्किंग है। क्या है? सिंगल टास्किंग है, ठीक है, सिंगल टास्किंग है। उसके बाद जो आता है दोस्तों, यानी कि विंडो। क्या आता है? विंडोज। और विंडो तो है दोस्तों, यानी कि मल्टी फंक्शनल है। क्या है? मल्टी टास्किंग है। क्या है? मल्टी टास्किंग है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जो आता है दोस्तों, यानी कि पांच नंबर पे, और पांच नंबर पे आता है दोस्तों, यानी कि उद्यमशीलता। क्या आता है? उद्यमशीलता आता है, ठीक है, उद्यमशीलता के बारे में समझना है और एग्जाम में एक नंबर पाना है। तो चलिए डैश दीजिएगा उद्यमशीलता लिख करके। कंप्यूटर कई घंटे तक बिना थके कार्य कंप्यूटर किसी भी कार्य को लगातार समान कंसिस्टिंग एंड एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कंप्यूटर कई घंटे तक बिना थके कार्य कंप्यूटर किसी भी कार्य को लगातार समान कंसिस्टिंग एंड एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, उसी को उद्यमशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। अब दोस्तों, यानी कि छह नंबर पे जो आता है वो मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। और सात नंबर पे जो आता है दोस्तों, यानी कि स्टोरेज है। तो मेमोरी और स्टोरेज में अंतर अगर लिखा दिया जाएगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिएगा एक साइड सात नंबर पे जो है, ठीक है ना, यानी कि छह और सात नंबर पे, तो आप लोग पॉइंट दे दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो एक साथ मेमोरी लिख लीजिए। क्या लिखना है? एक साइड मेमोरी और दूसरा साइड यानी कि स्टोरेज लिख लीजिए, ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज। इसमें ए नंबर लिख सकते हैं, ए नंबर दे के लिखिए। ए नंबर देना है, में लिखना है, डाटा को प्रोसेस करते समय अस्थाई रूप से मेमोरी में रखा जाता है। क्या है? अस्थाई, ठीक है, अस्थाई रूप से मेमोरी में रखा जाता है। इसमें ए पॉइंट लिखिए, डाटा को प्रोसेस करने के बाद अस्थाई रूप से क्या इसमें रखेंगे दोस्तों? उसमें अस्थाई, इसमें अस्थाई रूप से, ठीक है, अस्थाई रूप से स्टोरेज में रखा जाता है। अब चलिए मेमोरी का बी पॉइंट लिखिए। मेमोरी शब्द का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता है। इसमें भी पॉइंट लिखिएगा, स्टोरेज शब्द का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जाता है, ठीक है। अब चलिए सी पॉइंट लिख लीजिए। इसमें मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट को बिट कहेंगे, BIT। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिए BIT। इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। अब स्टोरेज में लिखिएगा, स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट बाइट होता है। क्या होता है? BYTE, बाइट, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन में इतना ही टॉपिक को रखा जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ उपलब्ध होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से
गुजारिश करता हूँ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।